और अगर आपको डिश सेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। पर वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आज हम एयरटेल डीटीएच के सिग्नल कैसे सेट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। हाउ टू सेट एयरटेल डीटीएच सिग्नल सेटिंग। तो जो सिग्नल सेट करेंगे हम वो इस सुई वाले मीटर से करेंगे और ये मीटर बहुत ही सस्ता आता है, ठीक है। अगर आपको ये ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता मीटर आता है, ठीक है। और इससे आप किसी भी डिश के सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो आज हम सेट करेंगे एयरटेल डीटीएच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे एयरटेल डीटीएच के सिग्नल सेट किए जाते हैं इस मीटर के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि LNB सही है या नहीं है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी मीटर से आप LNB भी चेक कर सकते हैं और बहुत आसान सा तरीका है। इस सुई को जो है सेंटर में रखना है, सुई आपको दिखाई दे रही होगी, इसको सेंटर में सेट कर लेना है, ठीक है। और अब इसके बाद में LNB के ऊपर हाथ रखना है, LNB के आगे हाथ करना है। जैसे ही आप LNB के आगे हाथ करेंगे तो सुई जो है आगे पीछे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हाथ करने के बाद कोई ये सुई में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये समझ लेना LNB ख़राब है या आपके वायर सही से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये सेंटर से थोड़ा सा आगे मैंने इसको सेट कर लिया है और अभी एयरटेल के सिग्नल हमें ढूंढने हैं। LNB पोजिशन जो है आपकी, LNB पोजिशन वो 45 -45 डिग्री पर सेट होना चाहिए LNB, ठीक है। क्योंकि अगर ये LNB थोड़े इधर उधर भी होगी तो सिग्नल कम आएंगे, चाहे मीटर से आप कितना भी सेट कर लो, तो ये जरूर ध्यान रखना है -45। दोस्तों आपको उसको 6 या 7 पर सेट कर लेना है सुई को। उसके बाद में डिश को ऊपर नीचे करके देखना, पूरब दिशा की ओर इसका चेहरा रहना चाहिए। देखो सिग्नल आ रहे हैं, आप को चेक करा देता हूँ मैं कैसे आ रहे हैं। देखो ये मैं इसको हटा दिया और जैसे इधर करता हूँ तो ये बढ़ जाती है सुई आगे। तो ये जो है सिग्नल है एयरटेल की, देख लेना है, छतरी जो है नीचे की साइड रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है DD फ्री डिश। तो सबसे पहले एयरटेल का ही सिग्नल आता है, बहुत ही आसान है। एयरटेल के DTH के जो कंपनी के लोग होते हैं वो भी यही वाला मीटर यूज़ करते हैं एयरटेल को सेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं सिग्नल है। ठीक है दोस्तों, ये एयरटेल का सिग्नल है। आप चाहे तो इस मीटर के बिना भी ये सिग्नल सेट कर सकते हैं, पर प्रॉपर तार आपकी कनेक्ट होनी चाहिए, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि LNB ठीक है, ठीक है, तभी वो सेट हो पाता है। कभी कभी क्या होता है LNB ख़राब हो जाती है, आप छतरी को कितना भी घुमा लीजिए तो सिग्नल तो आएंगे नहीं। तो आपको ये कंफर्म जरूर कर लेना है कि तार वगैरह जो है सही से लगी है और LNB सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डिश सेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।